नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी की इस खास कार्यक्रम में। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने लोकतंत्र से लेकर बोलने की आजादी तक और केंद्र व राज्य को लेकर अपनी बात रखी। विपक्ष के आरोपों पर का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल में देश को दिशा और गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास किया। इन सबका लेखा जोखा लेकर हमें जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमियों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम आने वाले 25 सालों में 75 साल की गति से भी ज्यादा तेज गति से देश को बहुत कुछ दे सकें। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो साल 1984 में सिख नरसंहार भी नहीं होता और ना ही कश्मीरी पंडितों का पलायन होता। और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और हम सभी राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान पर भी और देश का ध्यान भी आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, सबका ओनरशिप होगी और उसके कारण जो 75 साल की गति थी उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी से बड़ा संकट नहीं देखा और अभी भी ये संकट आफतें लेकर आता रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया अभी जूझ रही है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के कामों की सराहना हो रही है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल के दौरान देश में 80 करोड़ से भी ज्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन देकर हमने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार गरीबों को घर और राशन देने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार में 5 करोड़ गरीब परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम किया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने एमएसएमई सेक्टर और खेती किसानी पर खास ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला। उन्होंने कहा कि किसानों के पैसे सीधा उनके खातों में जमा हुए हैं। पीएम ने आगे कहा कि मैंने पंजाब के किसानों के कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि हमारी मेहनत तो उतनी ही है लेकिन खाते में इतना पैसा एक साथ आता है कि ये पहली बार देखा है। पीएम मोदी ने महंगाई पर बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जहां महंगाई का दौर झेल रही है वहीं हमने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया है। अमेरिका 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई का दौर झेल रहा है, वहीं ब्रिटेन 30 साल की महंगाई रिकॉर्ड झेल रहा है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के राज में देश में विकास का पहिया रुका रहा।
अब जब देश विकास की राह पर आगे जा रहा है तो कांग्रेस इसमें बाधा डाल रही है और कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। तो कांग्रेस ने अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा है? कांग्रेस को इसका नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस रखना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने पूर्वजों की गलती को सुधारे। यदि कांग्रेस महात्मा गांधी के बताए रास्तों और सिद्धांतों पर चलती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, देश में इमरजेंसी का कलंक ना लगता। कि कांग्रेस न होती तो क्या होता? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी, क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। प्रधानमंत्री ने संसद में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कई मुद्दों पर बात भी की। फिलहाल इस वक्त सभी पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं, अपनी उपलब्धियां और दूसरे की कमियां गिनवा रही हैं। पर देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है। प्राइम टीवी के लिए मोहिनी की रिपोर्ट। यूपी में चुनावों का संखनाद होने में महज एक से दो दिन ही है। अब वक्त बचा है जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। वहीं चुनावों से चंद दिन पहले प्रदेश की सत्तारूढ़ी पार्टी भाजपा ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र से घोषणा पत्र जारी करते हुए सभी दलों को करारा जवाब दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं, इस 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जनता को वादों के कौन कौन से लॉलीपॉप दिए हैं। प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, सियासी गलियारों में हलचल हुई तेज। घोषणा पत्र में महिलाओं को महत्व, मुफ्त 2 LPG सिलेंडर, स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली की सौगात, प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार अपार, शिक्षा के क्षेत्र में खुलेंगे नए द्वार, सिंचाई की होगी उचित व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर भी खासा ध्यान।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान का प्रचार होने के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र यानी जन कल्याण संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ पहुंचकर जारी किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, जबकि पहले यह संकल्प पत्र रविवार को जारी होना था, लेकिन भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, जिसको अब भाजपा ने जारी करते हुए इस संकल्प पत्र को उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने के लिए बताया है। 2022 का संकल्प पत्र, भाजपा का किसानों से वादा, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना, सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या, कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी, दीपावली और होली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर, कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000, गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद, मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़, विधवा और निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन, 5 नई महिला बटालियन, सभी स्थानों में CCTV कैमरे और पिंक पुलिस बूथ, लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की संख्या 2 गुनी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देंगे लोन, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, प्रदेश के भविष्य को क्या मिला, हर मंडल में 1 यूनिवर्सिटी, प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए प्रतिबद्ध, प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग, 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटेंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान, स्वास्थ्य क्षेत्र का कितना उद्धार, प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र, MBBS की सीटें 2 गुनी, 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, लाइफ सपोर्ट से लेस एम्बुलेंस की संख्या 2 गुनी, आम आदमी को क्या मिली सौगात, कानपुर को मिलेगा मेगा लेदर पार्क, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना, वाराणसी मिर्जापुर और चित्रकूट में रोपवे सेवा, EWS कल्याण बोर्ड का गठन, सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा, 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क, पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन, मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना, 2017 के विधानसभा चुनावों में मोदी लहर का जबरदस्त असर यूपी में भी देखने को मिला था, यही वजह रही कि 403 सीटों में से 300 प्लस सीटें भाजपा के पक्ष में आई थी, लेकिन मोदी लहर के साथ साथ संकल्प पत्र ने भी भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने में एक बड़ा खेल खेला था, जिसमें भाजपा के 24 पन्ने के संकल्प पत्र को 10 विषयों में बांटा गया था। इनमें 200 से ज्यादा संकल्प किए गए। इसमें कृषि विकास का बने आधार, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, बुनियादी विकास मजबूत आधार,
विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर परिवार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संकल्प पत्र बनाया गया था। तो चलिए नजर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के 2017 मैनिफेस्टो पर, जिसने भाजपा को जीत दिलाई थी। 2017 में भाजपा का मैनिफेस्टो, सूबे में 6 नए एम्स बनाए जाने का ऐलान, किसानों के लोन और ब्याज होंगे माफ, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की होगी शुरुआत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेंगे एंटी रोमियो दल, यूपी के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता, अवैध मवेशी कत्ल खाने बंद होंगे, ट्रिपल तलाक के मुद्दों को मिली जगह, राम मंदिर के लिए संवैधानिक प्रयास का दावा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को प्रदेश की तरक्की का लोक कल्याण संकल्प पत्र बताते हुए जनता से कई वादे किए हैं, लेकिन अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आगामी 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के वादों पर जनता कितना भरोसा दिखाती है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।